जय हिंद साथियों, मैं दिलीप मौर्य सोहावल से आप सभी का अपने YouTube चैनल सोहावल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं माँ ज्वाला जी स्थान और यहां पर माँ ज्वाला जी के चरणों में सादा प्रणाम करते हैं। जय माँ ज्वाला। देख सकते हैं आप लोग माँ ज्वाला की ज्योति चल रही है, काफ़ी सुंदर दृश्य है और शांत माहौल है। हम लोग आए हैं आज माँ ज्वाला जी दर्शन के लिए, जो कि सोहावल क्षेत्र में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, काफ़ी चर्चित स्थान है। आप लोगों को आने का रास्ता सोहावल मार्केट में सोहावल से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और काफ़ी भव्य मंदिर है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दुर्गा पूजा के समय में यहां पर दुर्गा माता का मंदिर बेश स्थापित होता है। और ये कुछ जो चेयर लगी हुई हैं लोहे के, यहाँ पर बैठने के लिए। और अभी आप जो देख रहे हैं, यह माता काली का चौकी स्थान है। जय माँ काली। और इसी के जस्ट सामने माता काली का मंदिर है, आप लोगों को भी हम दिखाने जा रहे हैं। जय माँ काली। ये देख सकते हैं आप लोग माँ काली का भव्य मंदिर यहाँ पर है, काफ़ी शांत माहौल रहता है। और इसके बगल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए या बैठने के लिए कुछ स्थान जो है यहाँ पर। और यहाँ पर भी चेयर लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है व्यवस्था की गई है यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैदान काफ़ी अच्छा है और भी कुछ रूम खाली हुए हैं प्रोग्राम को करने के लिए। लोग मेरे YouTube चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। देख सकते हैं और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर श्री राम भगवान का भी काफ़ी अच्छा मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें अभी आ रही हैं, सुबह का समय है और कुछ दुकानें पहले से आ चुकी हैं। ये देख सकते हैं शुक्र और सोमवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है, शुक्रवार और सोमवार को माता जी का दिन। ये जो है सगरा है इस समय खाली पड़ा हुआ है, जो कि पानी भरा रहता है लेकिन इस समय किसी कारणवश पानी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं गेट है, ये श्री राम दरबार है। ये देखिए दीवार पर कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि जय श्री राम ये मंदिर है और यहाँ पर श्री राम जी स्थापित हैं। अब हम लोग चल रहे हैं बजरंगबली बाबा के मंदिर में और यहाँ जस्ट बगल ही इसके बजरंगबली बाबा बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं, कमेंट में टाइप करना ना भूलें। जय बालाजी महाराज, जय माँ ज्वाला, जय माँ काली। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करते रहें। अब आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं ये जो है आगे है भगवान शिव जी का मंदिर और इसको हम आप लोग को पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे भी बाहर से, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर मंदिर के। ये देख सकते हैं जय भोलेनाथ ऊपर लिखा गया है काफ़ी सुनहरे शब्दों में और हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। देख सकते हैं भोले बाबा यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं, गणेश जी, ब्रह्मा जी और कार्तिक भगवान, नंदी बाबा और नाग देवता जी और साथ साथ माँ गंगा यहाँ पर
तो बोल सकते हैं गुली जी का पूरा परिवार यहाँ पर है। और अब इसके जस्ट बगल पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है, ये देख सकते हैं। अब हम आपको इसका पूरा रूबरू करा रहे हैं, इसके मंदिर के करने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों साइड, जो लोग दूर के हैं, किसी भी जानकारी या मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए। राय आपकी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय माँ ज्वाला, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। और अभी हम दोबारा जा रहे हैं माँ ज्वाला जी के स्थान पर, दोबारा वहाँ पर एक बार दर्शन करने की काफ़ी इच्छा करती है, जितनी बार जाएं कम लगता है। जय माँ ज्वाला। फिर हम लोग जा रहे हैं माँ ज्वाला जी मंदिर में। आप लोग आएँ, किसी भी जानकारी सुझाव के लिए ज़रूर कमेंट करें। ये देख सकते हैं हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में माँ ज्वाला जी के स्थान पर। ये देख सकते हैं लोग पहुँच ही गए हैं। पर धन्यवाद। जय माँ ज्वाला।